नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में अवस्थित द पार्क होटल के सभागार में जिला तैलिक साहू सभा मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का पदभार ग्रहण सह अभिनंदन एवं प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में राज्यसभा सदस्य एवं विधान परिषद में तैलिक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री साहू ने कहा कि बिहार में तैली समाज की आबादी 7% है, जिसका सभी राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा क्षेत्र में एक भी तैली समाज के विधायक का नहीं होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता साहू भोपाल भारती ने आबादी के अनुसार तेली समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी पाने के लिए आवश्यक पहलुओं पर अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को संगठित होकर यह कहना है कि जो दल हमें उचित भागीदारी देगा उस दल को हम सभी एक साथ समर्थन देंगे। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार, चंद्रिका प्रसाद साहू, धर्मेंद्र कुमार, इंजीनियर शिवनंद साहू, साहू भोपाल भारती आदि सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता विधायक रणविजय साहू को सभी लोगों ने 51 किलो का माला पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुजफ्फरपुर जिला तैलिक साहू समाज का जिला अध्यक्ष के रूप में आप सब हम जानते हैं, तमाम इस जिले के सभी सक्रिय साथी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता इस मंच सहित सभागार में उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला साहू समाज का संगठन के रूप में रहा है, चाहे 1992 का महारैली हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर पूरे बिहार में एक पहचान रहा है, उसका नाम मुजफ्फरपुर जिला तैलिक साहू समाज है। इस जिले में हमारे समाज की आबादी 6% है, 11 विधानसभा होने के बावजूद हमारे जाति से एक भी MLA इस क्षेत्र से नहीं होना निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और लगातार हम लोग इस पर चिंता और चिंतन कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे विधानसभा हैं जहां हमारे समाज की बहुलता है। हम जहां बैठे हैं वहां भी हैं, साहेबगंज है, औराई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को छला जाता है, ठगा जाता है। तो हम लोगों ने निश्चित किया है, हम लोगों ने निर्णय लिया, हम लोगों ने तय किया है कि इस जिले को, संगठन को हम पंचायत स्तर तक जोड़ेंगे, समाज के वैसे लोगों को जोड़ेंगे जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वह प्रशिक्षित हैं और एक कड़ी जोड़ के सभी राजनीतिक पार्टी पर हम दबाव बनाना चाहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे अन्य पार्टी हो, उस पर हमारा समाज का जो अधिकार है हम अधिकार लेना चाहते हैं। हम दानवीर भाभा साहब के वंशज हैं, हमारे खून में ही दानवीर भाभा साहब का, मेरे रगों में दानवीर भाभा साहब का खून दौड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चंदा भी देने का काम हम करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी देने का काम हम करते हैं, चाहे विधायक जी का वेतन हो, चाहे सिपाही जी का वेतन हो, इसी टैक्स से भुगतान होता है। लेकिन हालात, परिस्थिति है कि सबसे ज़्यादा अगर हमला हो रहा है तो हमारे समाज पर हो रहा है, हत्या हो रही, रंगदारी की मांग की जा रही। आप ही के जिले में कई ऐसे घटना घटी है वर्तमान में जो हमारे समाज को झकझोर के रख दिया, लेकिन हमारे समाज को धन्यवाद देते हैं कि हमारे संगठन ने एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और जो भी अपराधी है, जो भी उस तरह के
अपराधी है उसको निश्चित रूप से हम सब संगठन के लोग मिलकर उसको जवाब देने का काम लगातार कर रहे हैं। जरूरत है इस जिले में एक ऐसे कप्तान की, एक ऐसे मॉनिटर की जो इस जिले को संगठित कर सके, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है। कई लोग हमने प्रभारी को लगाया था, प्रभारी जी कई बार दौरा किए, दर्जनों बार आए, और यह मामला आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी थे सभी लोग मंच पर आसीन हैं, सभी लोगों ने लिखित रूप से आस्था जताया है कि हम सब लोग एक हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कड़ी में हम लाल बाबू जी जगन्नाथ प्रसाद उर्फ लाल बाबू जी का नाम इस जिले के अध्यक्ष के रूप में हम घोषणा करते हैं, और आशा ही नहीं भरोसा, क्योंकि लाल बाबू जी का एक इतिहास रहा है। लाल बाबू जी ने 8 सालों में जिस जिला के लिए जिन्होंने दिया है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां लाल बाबू जी को लोग, समाज के लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते हैं, हमेशा दुख सुख में उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं। तो आशा नहीं भरोसा है कि आने वाला जो लोकसभा होगा, आने वाला 2025 का विधानसभा होगा, निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर का जो हकमारी आज़ादी के बाद से लगातार हो रहा है उसको हम लोग चुकने नहीं देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का, खासकर मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे हैं कि पार्टियों के द्वारा नाइंसाफी की गई, लेकिन आपको भी पार्टी ने विधायक बनाया है और कई सारे लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं, किस स्तर पर लगता है कि आपने पार्टी ने आपके जाति संगठन को हक मारी किया? देखिए, पूरे बिहार में हमारी जो आबादी है 6%, 6% के अनुसार हमको भागदारी नहीं मिल रहा। 67 से हमारे जाति का कोई ना कोई समाज के लोग थे जो बिहार विधान परिषद का सदस्य हुआ करते थे, चाहे राज कांग्रेस का रहा हो, चाहे राज आरजेडी का रहा हो, चाहे राज एनडीए का रहा हो, लेकिन पिछले 6 साल से हमारे जाति का एक भी लोग बिहार विधान परिषद में इस तेली का आवाज नहीं उठा रहे हैं। हकमारी हुई है यहाँ पर, हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, और आज़ादी के बाद से आज भी 16 राज्यसभा के सीट है इस बिहार से, 16 में एक भी कोई भी हमारा तेली जाति का, साहू जाति का, कोई भी समाज के लोगों को राज्यसभा का भी सदस्य नहीं बनाया गया है, जिससे हमको दुखी है, हम क्रोधित है, आक्रोशित है। आज मुजफ्फरपुर में हमारे जाति का एक भी, 75 साल बीत जाने के बाद भी आखिर क्या कारण है? हमारे समाज के लोग एक मुस्त होकर वोट देने का काम करते हैं, लेकिन उसको जब हक की बात होता है, अधिकार की बात होता है, सत्ता में भागदारी की बात होती है, तो उनको ठग लिया जाता है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से हम पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा दबाव बनाएंगे वो हमारे साथ हकमारी नहीं कर सकते। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने संगठन के, इसको लेकर क्या एक पार्टी कोई नहीं है जिस पर आप सभी लोग सहमत हो सके, सभी पार्टी की बात आप करते हैं? ये देखिए, बिहार दैनिक साहू समाज एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके मैं निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है कि हमारे समाज का जो जनसंख्या, लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागदारी, मेरी प्राथमिकता है। हमारे समाज पर कहीं भी जुल्म हो, किसी तरह का अपराध हो, तो निश्चित तौर पे सड़क से सदन तक मैं उठाने का काम करता हूँ। तो इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, हम तो सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी पर हम दबाव की बात करना चाहते हैं। यह समाज को एक पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं है, सभी पार्टी के लोग हैं। मैं खुद भी हूँ दूसरे पार्टी से, धर्मेंद्र साहू जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, भीम साहू जी बैठे हुए हैं, चंद्रिका साहू जी बैठे हुए हैं, सब लोग एक बगिया में तरह तरह के फूल हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है कि माला बनाना है, उसको माला में पिरोना है, मेरा लक्ष्य एक ही है। आखिरी सवाल है मेरा कि आप चूंकि विधायक भी हैं, तो अपने संगठन और साथ कर अपने जो जाति संगठन है इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, चूंकि आपको भी मौका मिलता है विधानसभा में सवाल पूछने का, कुछ ऐसा आपने किया है? देखिए, निश्चित तौर पे 1.5 साल के अंतराल में अपने जाति का मैं 13 मामले उठाया हूँ। यह शायद आज़ादी के बाद तेली शब्द से विधानसभा अनसुना था, शायद समाज के लोगों ने
लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी के ताकत पर मैं विधानसभा के सदन में हाउस में मैं अपने जाति पर कहीं भी हमला होता है, कहीं भी अत्याचार होता है तो मैं झुकता नहीं हूँ, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ और न्याय दिलाने का काम करवाता हूँ। नए जिलाध्यक्ष जी का निर्वाचित का सम्मान और पदभार ग्रहण प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक रणविजय साहू जी के द्वारा हुआ है और यह बहुत सुखद पल है कि मुजफ्फरपुर जिला के साहू समाज के तैलिक साहू समाज के सभी लोगों ने एक स्वर से सर्वसम्मति से माननीय प्रदेश अध्यक्ष पर आस्था व्यक्त की और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो जिलाध्यक्ष के रूप में जो मनोनीत किया गया है वो उसे पूरे जिले में उत्साह है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितनी बात कही है आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी और मुजफ्फरपुर जिला में कम से कम एक तेली समाज का विधायक हो और जो तेली समाज पर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाए, इस दिशा में हम लोग आज पहल करेंगे और आगे की लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी।